हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हमें माला जाप कैसे करना है, मंत्र चैंटिंग कैसे करनी है, जिससे कि हमारी स्पिरिचुअल जर्नी और आसान हो सके। आपको पता है, जब भी हमें स्पिरिचुअल जर्नी दी जाती है तो इसमें हमें खुद को बैलेंस करना होता है। तो इस बैलेंसिंग के लिए सबसे आसान तरीका होता है मंत्र चैंटिंग, क्योंकि जब भी हम मंत्र चैंटिंग करते हैं तो हमारे बॉडी की वाइब्रेशन बढ़ती है। ये बात मैंने आपको हमेशा बताई है। तो बहुत से जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन सब का एक ही प्रश्न होता है कि हम मंत्र चैंटिंग करें कैसे, हम कितने माला का जाप करें, कितने समय तक करें, और किस भगवान जी की सबसे पहले मंत्र चैंटिंग करनी चाहिए। तो आज मैं आपको इन सभी सवालों का जवाब देने वाली हूँ। अब पूरे ध्यान से बने रहिएगा मेरे वीडियो के साथ। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ मंत्र चैंटिंग करने का सबसे सही तरीका क्या है। सभी लोग क्या करते हैं, माला जाप करते हैं। माला जाप क्या करते हैं, एक टाइम सुबह कर लेते हैं, एक टाइम शाम कर लेते हैं, 108 बार मंत्र चैंटिंग कर लेते हैं, इस बार ऐसे करते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं कि माला ले लेते हैं और रास्ते में चलते रहते हैं और हाथों पे मंत्रों का जाप करते रहते हैं और चलते रहते हैं, बीच बीच में बातें भी करते रहते हैं। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जब भी हम कोई मंत्र चैंटिंग करते हैं, मंत्र जाप माला जाप करते हैं, तो माला जाप के समय हमारा ध्यान सिर्फ माला पर, अपने मंत्रों पर, अपने इस यूनिवर्स पर होना चाहिए जिनके लिए हम मंत्रों का जाप कर रहे हैं। लेकिन इस बीच क्या होता है, जब हम किसी से बातें करते हैं ना, तो हमने जितनी माला जाप करी है वो जाप खंडित हो जाती है, उसे हमें दोबारा से करना पड़ता है। अगर हम मोतियों पर माला का जाप कर रहे हैं तो करते करते अगर हमने बीच में छोड़ दिया ना, तो वो काउंटिंग नहीं होती है, इससे हमारा मंत्र जाप टूट जाता है। जब भी आप माला पे मंत्र जाप करते हैं तो याद रखिए, जब से 108 बार कंप्लीट ना हो जाए तब तक आपकी 108 माला नहीं मानी जाएगी, अगर आपने बीच में रुक गए तो। इसलिए कंटिन्यू कीजिए, सबसे पहली बात कंटिन्यू, बीच में रुकना है, अगर रुक गया तो उसे दोबारा से स्टार्ट कीजिए। और सबसे पहली बात, जब भी आप मंत्र चैंटिंग या माला जाप करते हैं ना, तो अपने आसपास एक प्रोटेक्शन घेरा बनाइएगा, क्योंकि उससे जो ऊर्जा मिलेगी आपको, वो ऊर्जा कोई डेविल एनर्जी आपसे ले ना ले। हमेशा जब भी हम मंत्रों की चैंटिंग करते हैं ना, तो नेगेटिव एनर्जी हमारे आसपास होती है। वो क्यों होती है, ये तो आप सबको पता है कि जहाँ गुड़ होगा मक्खियाँ वहीं आएंगी। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप आध्यात्मिक हैं, आप प्रभु से जुड़ रहे हैं, प्रभु की ऊर्जा आप में समा रही है, तो वो ऊर्जा लेने के लिए नेगेटिविटी भी वहाँ आपके पास खड़ी रहती है। इस बात को आप मानेंगे, जब आपकी जर्नी आगे बढ़ जाएगी तब इस बात को अवश्य मानेंगे। तो ऐसा हमेशा प्रोटेक्शन कर लीजिएगा। प्रोटेक्शन आपको नहीं आता है तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको बताऊँगी कि प्रोटेक्शन कैसे ली जाती है। और इसके बाद में दूसरी बात ये बताना चाहती हूँ कि एक बात बताइए, जब भी हमारे ऊपर नेगेटिविटी अटैक करती है, जब भी हमें कोई डिप्रेशन मिलता है, कोई टेंशन मिलती है, कोई चिंता मिलती है, या हमारी तबीयत ख़राब होती है, ये कोई समय देख के नहीं होती। जैसे हम कहते हैं मंत्र जाप हम सुबह या शाम एक माला कर लेते हैं, लेकिन आप बताइए, सुबह शाम ने अपने माला जाप कर ली, उस टाइम आपका प्रोटेक्शन हो गया। लेकिन जब नेगेटिविटी, क्या पता आपको कब आप ऊपर अटैक कर रही है, कभी आपके दोस्त आपको कुछ बोल देंगे, कभी ऑफिस में कोई कुछ बोल देगा, कभी आपकी फैमिली आपसे कुछ बोल देगी, तो उस वक्त आप कैसे करेंगे? उस वक्त आपके पास न माला होगी, न मंत्र चैंटिंग करने के लिए समय होगा कि आप एक कान में बैठ सकें। इसीलिए मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बताना चाहती हूँ कि आप आजप कीजिए। इसे करने से क्या होता है कि आप जहाँ भी हों, जिसके साथ भी हों, जहाँ भी वर्क कर रहे हों, खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, दोस्तों से बातें कर रहे हैं, फ़ोन पे कहीं से भी कुछ भी नेगेटिविटी आई जिससे आपकी बॉडी की वाइब्रेशन लो हो गई, आपको एंजाइटी सी फील होने लगी, आपको घबराहट होने लगता है, आप उसी वक्त अपने किसी भी डिवाइन का नाम लेके मंत्रों का जाप अपने मन में शुरू कर दीजिए। उसके बाद धीरे धीरे आप देखिएगा कि आपका ध्यान वहां से हट जाएगा और आप बैलेंस में रहेंगे। तो इसलिए सबसे अच्छा है कि आप रेगुलर मंत्र जाप करना शुरू कीजिए, मंत्रों को अपने दिनचर्या में शामिल कीजिए। जिस तरह आप हम भोजन शामिल करते हैं ना कि हमें रेगुलर खाना खाना होता है, उस वक्त मंत्र चैंटिंग भी, जब आपका वक्त, जब भी आपको लगे कि मुझे जरूरत है, जैसे आपको पानी की जरूरत होती है, आप प्यास पानी पीते हैं ना, उसे जब भी आपको लगे कि हाँ मैं अब डिप्रेशन में हूँ या मुझे कुछ घबराहट एंजाइटी हो रही है, तो जब भी आप मंत्रों का जाप शुरू कर लीजिए तुरंत। आप किसी भी डिवाइन का कर सकते हैं, आप कृष्णा जी का कर सकते हैं, शिव जी का कर सकते हैं, गणेश जी का कर सकते हैं, दुर्गा माता का कर सकते हैं, लक्ष्मी माँ का कर सकते हैं, आप किसी भी मंत्रों का जाप कर सकते हैं, क्योंकि डिवाइन एक ही है। आप कभी इस भ्रम में मत रहिए कि हम एक डिवाइन की पूजा करते हैं कहीं दूसरे डिवाइन हमसे दूर तो नहीं हो जाएंगे, हमसे अलग तो नहीं हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। भगवान जी ने क्या किया है,
हर रूप अपना अलग अलग क्यों धारण किया है, क्योंकि हर उद्देश्य के साथ किया है, लेकिन डिवाइन है एक ही। इसलिए कभी घबराइएगा मत कि मैं एक भगवान जी की पूजा करता हूँ कि दूसरे भगवान मुझे गुस्सा तो नहीं हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप रेगुलर मंत्र जाप कीजिए हमेशा, जब भी आपको एंजाइटी घबराहट फील हो, रेगुलर जहाँ मन करे वहाँ खड़े होकर अपने मन में जय श्री कृष्णा, राधे राधे ऐसे रटते रहिए, और आप सडनली देखेंगे कि जिस भी टेंशन में सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं ना, आप तुरंत वहाँ से निकल जाएंगे, तुरंत आपको दूसरा रास्ता मिलेगा। प्रैक्टिस में लाइए इस बात को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि मैं इस चीज़ को कर चुकी हूँ, मेरे साथ बहुत ही अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं। इसलिए आप सभी जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, मंत्र चैंटिंग कर रहे हैं, माला जाप कर रहे हैं, आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि आप कंटिन्यू कीजिए। 108 बार भी कर सकते, कैसे भी करिए, लेकिन जो मैं ये बता रही हूँ ना कि आप रेगुलर कीजिए, कभी भी कीजिए, ये सबसे अच्छा होता है। ईश्वर को हमेशा अपने पास रखने का सबसे आसान तरीका होता है। जय श्री कृष्ण, राधे।